कल 18 तारीख को खेड़ी चोकटा के अंदर हम हजारों ट्रैक्टरों के साथ कल 18 तारीख को कूच करेंगे बॉर्डर के ऊपर। वो ये कहोगे खनौरी बॉर्डर तोड़ना है तो खनौरी तोड़ांगे, आज वो कहोगे दिल्ली बॉर्डर तोड़ना है तो दिल्ली तोड़ांगे। आवाज के ऊपर आप लोग जितने भी साथी आए हैं, नाम लेना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि सारे मुख्य साथी हरियाणा के आपके बीच में बैठे हैं, कई किसान संगठनों के नेता आपके बीच में बैठे हैं और जनता सरकार मोर्चे के लगभग सभी मुख्य साथी आपके बीच में बैठे हैं। सारे भैया का बहुत बहुत धन्यवाद है। 16 में बात मैं बताना लग रहा हूं आपने कि किसान आंदोलन के दौरान हमारे बहुत सारे साथियों को जेल के अंदर बंद कर दिया है, जिसमें कुछ साथियों का हमने नाम पता चलिया है, अभी एक चौथे साथी का भी पता चलिया। पहला हमारा साथी जनता सरकार मोर्चे का मुख्य साथी भाई अक्षय नरवाल, भाई परवीन है मदीना गांव से, भाई वीरेंद्र है कोयल गांव से और एक रवि भाई है, कोई पंजाब का कोई युवा साथी है, क्योंकि पंजाब हरियाणा में कोई फर्क नहीं, वो भी हमारा भाई है। साथियों भाई अक्षय नरवा 12 तारीख ने मीटिंग में चंडीगढ़ में अक्षय नरवाल उस टेबल के ऊपर बैठा था जहां सरकार के साथ बातचीत करनी थी और बातचीत के बाद वह 13 तारीख ने यहाँ आया खनौरी बॉर्डर में डिसिप्लिन बनाने खातर और वो अपनी गाड़ी के पास ना उनने कोई पत्थर फेंका ना कोई तोड़ फोड़ करी, अपनी गाड़ी लेने खातर परवीन मदीना वाला भाई और वह दोनों गाड़ी के धोरे गए थे, उनको पीटा गया मारा गया फिर उनको जेल में भेज दिया गया। अभी स्थिति यह है कि सारे के ऊपर 307 की धारा ला रखी है, साथ में खालिस्तानी के नारे खालिस्तान के नारे लाओ यह बात लिख रखी है FIR में, साथ में ये लिख रहा क्या कि भाला ले रहा था, साथ में अस्थि पूर्ति अधिनियम जहां पुलिस वालों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने खातर मतलब कोई चीज इसी छोटी नहीं, 302 के अलावा तो एक भाई का था 302 ला दो मैं 302 ये बोले को नहीं, 302 में तो ये साबित करना पड़ा मानस मजिया है, इनमें तो साबित भी नहीं करना पड़ा, कहने का मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक। अभी हालत यह है एक तरफ सरकार बातचीत करी है, दूसरी तरफ हमारे साथियों को जिंदगी जेल में डाल रखे हैं, सारे के सारे जितने हमारे संपर्क हुए सारे परिवार आपके बीच में बैठे हैं और आज कल हमने ये निर्णय लिया था कि हम यहाँ के DCSP को ये बतावा कि ये जो बच्चे आपने गिरफ्तार कर रखे हैं वह शून्य नहीं है, उनके साथ में हरियाणा की पूरी जनता खड़ी है, उनके भी परिवार है, अगर इस तरीके से आतंकवादी बनाने लगे हमारे बालकान है तो ये तो गलत ठाकी भी लिख देंगे भाई पुलिस आने के ऊपर गाड़ी चढ़ा होता, गलत बात है। तो आज जो कार्यक्रम कर रहा क्या है, आज इस बात के लिए कार्यक्रम कर रहा क्या है कि जितने हमारे भाई है कल सरकार के साथ बातचीत होनी है, उस बातचीत से पहले हमारे भाई बाहर होने चाहिए, भाई गलत है क्या आपका एक समर्थन हो, भाई CID के साथी प्रशासन के साथी, अभी मैंने SP साहब के पास भी फोन कराया था आने के बाद, क्योंकि CID वाला थी कई बजाय SP साहब वहां बॉर्डर के ऊपर है, मां भाई देखो SP साहब नू तो चाहते हो भाई बॉर्डर मारे पतड़वादे हो तो हम बॉर्डर के ऊपर भी जाने में तैयार है, कदम नू मानते हो अगर ये चाहते हो शांतिपूर्ण तरीके से इस मामला को निपटाते हुए तो आप बताओ SP साहब से परिवार उनका बच्चों का परिवार उनको चिंता है, छोटे छोटे बच्चे उनके उनके बच्चों का परिवार सारे कार्य है उनसे मिले SP साहब
तो मैंने एसपी साहब के को फोन किया था, उन्होंने कहा कि 4 बजे आपका डेलीगेट मतलब उनके परिवारों के बच्चे और आपके जो भी 4-5 मौजूद आदमी आप जो चुनोगे वो 4 बजे नरवाना एसपी जींद जो है मिलने के लिए आपसे तैयार है। अभी आज हमारा केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहेगा, सोमवार तक का आज हम समय देंगे क्योंकि इतवार की छुट्टी हुआ है। आज केवल प्रदर्शन भर है और इसमें किसी प्रकार की हमने शांति भंग नहीं करनी है। यहां से जो प्रदर्शन हुआ मेरा इतना जरूर निवेदन है भाई, एक भी साथी उस प्रदर्शन का पार ना हुई हो। शेरा की गिनती है लोकतंत्र में, हमारे द्वारा ना लाठी ना जेरी कुछ नहीं है, लेकिन जो भाई घर तक चल के आया है एक आधा भाई के आते तो फोन सुन लाए जया दूर वो नुकसान करेगा, उसका आने का अर्थ नहीं बनता। सारे भाई लाइन में ये बैनर फोटो उनके लेके न सारे भाई लाइन में चलेंगे। और इतनी सी मेरी बात थी, बाकी कोई बात है अगर बच गई तो भाई सुशील नरवाल है, बहन प्रियंका हूं मैं। कमर का ही कोई बात है, बात और आगे चलने की पे बात चल लगी। जो आप पिछले 3 साल तक मंगन लाग रहे मंगन तो 2011 तक सा स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट और MSP तो उस खेतर इन बात का खेतर है जो भैया लागेगा कट्ठा है। वो को नहीं कहा MSP की लड़ाई नारी लड़ांगे रे इन बड़का की नारी, या लड़ाई शुरू करांगे अपने 2 दिन बाद। अल्टीमेटम 2 दिन का देव 3 दिन का देव, कमेटी बनाएगी और है ना को नेता बनाते ना और है और बनाएगा नेता तो सही सामने आओगे टपरना नेता बन जाएगा वह कमेटी बन जाएगी सामने होंगे। तो आज तो इन बाका खेत्र पहला विज्ञापन देवांगे आप और वो टेम देवांगे और टेम इनके परिवार के लिए बतलाया कर 5-7 सियाने बूढ़े बैठे उनके लिए बतलाया कर वो टेम तो हमें देख लिया 2 दिन का देना है 3 दिन का। मध्य प्रदेश के लीडर पार्ट है इसके, वो बल्कि मध्य प्रदेश जाओ थे हमने उसको रोका था भाई मारे बच्चे के बाद उठान खातर कोई मारा प्रतिनिधि चव तो उन्होंने टेबल की बात तो वैसे तो मारा आंदोलनों का अनुभव ये रहा है जब भी सरकार के साथ वार्ता हो समित भाई जब भी सरकार के साथ कोई वार्ता हो है उससे पहले शांति का माहौल होना चाहिए और जितने मारे भाई भीतर हो वह बाहर होने चाहिए। वार्ता का यो काम हो वार्ता का, उसके बावजूद भी शिव कुमार कक्का ने जो हमें बताया उनमें वहां बात रखी है, वहां के मंत्रियों को बाई नेम क्योंकि कुछ शब्द उसमें टेबल पर बात करते हैं याद नहीं रहो एक आधी बात बाकायदा लिखी उसको उनको मंत्रियों को उन अधिकारियों को दिया है कि भाई अगली बातचीत तक पहले हमारे भाई बाहर होने चाहिए। लेकिन अभी तक जो हमारा द्वारा जो सूचना मिल रही है अभी तक बाहर करने का कोई संदेश हमारे पास नहीं आया, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो जो शिव कुमार कक्कर ने कहा कि मैंने एक सुझाव उनको जरूर दे के गया वो अभी मध्य प्रदेश जा लिया, उनने ये कहा है कि मान लिया बातचीत भी हो जा और फैसला भी हो जा। उनका ये कहना था कि बातचीत भी हो जाए और हमारी बात भी मान ली जाओ है। लेकिन भाई मैंने मोर्चे को ये मेरी तरफ से सुझाव दिया है कि आंदोलन जब तक चालू रहना चाहिए जब तक हमारे भाई बाहर नहीं आ जाए, 2 दिन फालतू तक चलाना चाहिए। और मैं भी इस बात से सहमत हूं क्योंकि आंदोलनों के फैसले हो जाए हैं सरकार लिखित में भी देते हैं, लेकिन ये जो केस वाला मामला ना भीतर जाने वाला मामला इसमें हम भुक्त भोगी हैं। कई बार चीजें चली जा लोग अपने घर चले जा है और भुगतने वाले भुगती जा, इस बात को भी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक मेरी आखिरी बात जो रह गई थी जो मैं बताना चाह रहा था जो संदीप ने जिक्र करया भाई, कल 18 तारीख है, आज केवल हम ज्ञापन दे की जा रहे हैं, कल 18 तारीख में मैं मेरी बात बताऊं यार कह तो हम बोलन क्यों दिया रो
मैं तेरी को नहीं बताऊंगा यार। मैं कल 18 तारीख को, क्योंकि ये बच्चे किसानों की मांग के लिए भीतर गए हैं और अक्षय नरवाल का भी मैसेज, दो मैसेज आए अक्षय नरवाल के जेल के अंदर से। एक उसने कहा भाई जो भाई मेरे साथ में जेल में है, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे तुम आंदोलन लड़ो, चाहे तुम कोर्ट में अर्जी ला की जमानत लाओ, उसने कहा है पल्ले में भाई बाहर होने चाहिए भाई, उससे पल्ले में बाहर जेल में तो पानी टेकूंगा जब मैं इकला कटवा लिया। और दूसरा संदेश ये दिया है भाई, जो लड़ाई किसानों की है वो लड़ाई हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उस लड़ाई को भी जिंदा रखना है। वो संदेश मैं आपको देना चाह रहा था कि कल 18 तारीख को खेड़ी चौकटा के अंदर हम हजारों ट्रैक्टरों के साथ कल 18 तारीख को कूच करेंगे बॉर्डर के ऊपर, हजारों ट्रैक्टरों के साथ। अभी तक हरियाणा एक्टिव नहीं है, लेकिन कल तो हरियाणा खेड़ी चौकटा में इकट्ठा होकर ये बताएगा, वो जो आंदोलन करने वाले साथियों से बातचीत करके 18 तारीख ने तय करांगे। वो ये कहेंगे खनौरी बॉर्डर तोड़ना है तो खनौरी तोड़ांगे, आज वो कहेंगे दिल्ली बॉर्डर तोड़ना है तो दिल्ली तोड़ांगे। सरकार को ये दिखा देंगे हरियाणा का किसान कमजोर नहीं है, कल की डेट है, इसलिए आप सब, और इनकी मांग भी 18 तारीख वाले कार्यक्रम में भी साथ में रहेगी, ये बात मैंने आपको बतानी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।